हाय, आप लोगों ने सेट्स एंड इंडिसेस में या फिर पावर एंड इंडिसेस में ये चूज़ किया होगा। ए टू द पावर अगर आपको दिया होता है एम, उसका पावर दिया होता है एन, तो इसको हम क्या लिखते हैं? ए टू द पावर एम एन लिखते हैं, बिकॉज दिस इज़ द फॉर्मूला वी हैव। एक एग्जांपल से देखते हैं। अगर मान लीजिए 2 to the power 3 आपको दिया हुआ है, इसका पावर, इसका स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है, आपको इसका स्क्वायर निकालना है, तो आप लोग क्या करते हो? 2 to the power 3 उसका आपको स्क्वायर दिया होता है, आप लोग क्या करते हो? 2 to the power 3 into 2 कर देते हो, ठीक है ना, m into n हम लोगों ने कर दिया, तो 3 to 6, तो 2 to the power 6 निकाल लेते हैं। पर ऐसा क्यों होता है? यू नेवर आस्क यू सेल्फ कि 3 से हम 2 को मल्टीप्लाई ही क्यों करते हैं, ठीक है ना। ऐसा अगर 2 cube का स्क्वायर दिया होता है तो हम लोग ऐसे क्यों नहीं लिखते, ठीक है, ऐसे क्यों नहीं लिखते कि 3+, ठीक है ना, 3+2, ऐसा क्यों नहीं लिखते, ठीक है ना। तो वही चीज़ देख लेते हैं। एक्चुअली मैं इधर फिर से साफ कर लेते हैं, ठीक है ना, 2 to the power 3 इसका स्क्वायर। सबसे पहले देखते हैं 2 cube का मतलब क्या है। 2 cube का मतलब 2 को हम 2 से, वी आर मल्टीप्लाइंग 2 बाई इट्स सेल्फ 3 times, ठीक है ना, 2 into 2 into 2, ऐसे 3 बार हो गया। अभी देखिए ये चीज़ ब्रैकेट में है ना, हाँ, तो अभी इस चीज़ को हम स्क्वायर का मतलब क्या है, इस चीज़ को या फिर इस चीज़ को हम डबल मतलब 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे इसी के साथ, ठीक है ना। वी आर मल्टीप्लाइंग दिस 2 into 2 into 2 बाई इट सेल्फ 2 times, ठीक है ना, तो 2 into 2 into 2 ऐसा आ गया। तो अभी काउंट कर लीजिए, ये अगर हम ऐसा करते हैं कि 2 to the power 6 करते तो कितना होता, 2 to the power 6, ठीक है ना, 3 into 2 6, और इधर से 2 कितना है, 1 2 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अगर मान लीजिए कि 2 to the power हमारे पास 3 है, इसका हमें क्यूब निकालना है, तो हम फार्मूला की मदद से लिखते हैं 2 to the power 9, ठीक है ना। और अगर हम इसको एक्सप्लेन करने जाए तो क्या होता है कि 2 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 बार, ठीक है, इसका काम हो चुका है, अभी इसका काम करना है, ठीक है ना। तो इसको कितने बार मल्टीप्लाई करेंगे, इस पूरे चीज़ को 3 बार, किससे मल्टीप्लाइंग करेंगे, इसी से, ठीक है ना। तो 2 into 2 into 2 और फिर से 2 into 2 into 2, अभी काउंट कर लीजिए कितना टोटल 2 है, इधर से 3, इधर से 3, इधर से 3, ठीक है ना, 3 को कितने से, 3 से, तो हो गया ना 9, ठीक है। सो 2 to the power 3 का मतलब है 2 to the power 9, अगर एक्सप्लेन करके देखें तो भी होता है 2 to the power 9, ठीक है। थैंक यू।